स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कार पार्किंग के लिए मिनिमम स्पेस कितना छोड़े। देखिए, ये हर किसी का एक सपना होता है कि मेरा खुद का अपना मकान हो, उसमें एक कार पार्किंग का स्पेस हो। तो कितना जगह छोड़े ताकि हम कार पार्क कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, दो दो कार अब यहाँ पे पार्क है। तो दोनों का मेजरमेंट मैं बताऊँगा, छोटा गाड़ी और बड़ा गाड़ी दोनों है। एक टाटा टियागो है, एक बोलेरो है। ये देख रहे हैं बोलेरो है, इसका डायमेंशन भी मैं मेजर करूंगा आपके सामने ताकि आप भी इसका मेजरमेंट देखेंगे और जब भी घर बनाना हो तो इसको अगर पार्क करना है तो कितना डायमेंशन छोड़ना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखें, मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में मैं खासकर आपके लिए लेकर आया हूँ, जब आपको कार पार्किंग करना होता है, जब घर बनाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि कितना स्पेस छोड़ा जाए। गाड़ी का डायमेंशन तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी सेफली पूर्वक गाड़ी पार्क हो सके। देखिए, दो कारों के बीच का दूरी, देखिए दो कार जो लगा हुआ है तो ये वाल है और कार पार्किंग के बीच की दूरी होना चाहिए, गैपिंग कितना रखे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि जब इसका गेट खोले ना तो स्क्रैच ना हो, सेफली पूर्वक इसको पार्क कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके इसका डायमेंशन मेजर करते हैं। ये देखिए टाटा टियागो है, इसका हम पहले डायमेंशन मेजर करते हैं, फिर बोलेरो का मेजर करेंगे, उसके एज पर फिर इसका डायमेंशन आपको बताएंगे। देखिए लेंथ जो है आपका, हम पीछे से बैक से पकड़े हुए हैं टेप से, और आपको देखिए फ्रंट में आप देख लीजिए, यहाँ से एकदम फ्रंट के सामने से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा भी देख लीजिएगा, लगभग देखिए 12 फीट से कम है, लेकिन इसको मान के चलिए 12 फुट इसका लेंथ है 12 फुट। ओके, दूसरा भी गाड़ी है तो आप मेजरमेंट कर सकते हैं, स्विफ्ट भी है तो उसका भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और देखिए हम इसका विड्थ मेजर कर रहे हैं, देखिए जो व्हील है ना, दोनों व्हील का आउटर भी मेजरमेंट करके आपको मैं बता दे रहा हूँ कितना है। आप ये भी देख लीजिए, व्हील है आपका 5 फीट 3 इंच के आसपास, ये है इसका आउटर से आउटर व्हील, यानी 5 फीट 4 इंच बोल सकते हैं इसको। ओके, तो व्हील का भी मेजरमेंट कर दिया। देखिए थोड़ा बॉडी जो पीछे से वो जो होता है थोड़ा बाहर निकल रहा था, आगे वाला पोर्शन भी देखिए लगभग सेम है, ये 5 फीट 2 इंच आ रहा है आगे वाला पोर्शन व्हील टू व्हील, लेकिन थोड़ा बॉडी बाहर निकल रहा था इसलिए हम इसको 5 फीट 6 इंच मानते हैं इसका डायमेंशन। देखिए हम बॉडी को भी मेजर कर रहे हैं, देखिए इस फेस से स्टार्ट किया है यहाँ से और इधर भी देखेंगे। ओके, ये भी ध्यान देंगे कि सामने में फ्रंट में दो ग्लास होता है वो भी बाहर निकल रहा था, करीब 10 10 इंच का ये ग्लास होता है, तो ये भी 5 फीट 3 इंच है। ओके, अब देखिए बोलेरो का हम मेजरमेंट करेंगे, इसका डायमेंशन मेजर कर रहे हैं, देखिए लेंथ इसका मेजर करिए तो लगभग ये देखिए 13 फुट के आसपास आया है। उस गाड़ी से इस गाड़ी का डायमेंशन जो लेंथ है 1 फुट ज़्यादा है। अब इसका विड्थ को मेजरमेंट कर रहे हैं कि इसका विड्थ कितना है, उसका तो 5 फीट 6 इंच लगभग मान के चलना है, ये भी लगभग उतना ही है। देखिए इसका, देखिए इस फेस से लेंगे, ओके ये देखिए 5 फीट, देखिए इसका विड्थ ही आ रहा है 5 फीट 5 इंच, वो 5 फीट 4 इंच आया था, 5 फीट 5 इंच, इसके बाद भी ग्लास बाहर है, तो दोनों का डायमेंशन हम बता रहे हैं आपको 5 फीट 6 इंच। देखिए अब जो बना हुआ है इसका विड्थ देख लीजिए, ये जो बना हुआ है इसका विड्थ है कितना ये भी देख लीजिए, देखिए ये 9 फुट 4 इंच बना हुआ है और सेफली यहाँ पे पार्क होता है, इसका विड्थ जो बनाया गया है 9 फुट 4 इंच और सेफली पार्क होता है। और देखिए क्या होता है कि सामने में ये जो गेट है तो गेट ओपन करें तो गाड़ी में टच ना हो, ये भी ध्यान देंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेट को ओपन कभी कर हो जाता है तो गाड़ी में टच नहीं होना चाहिए, ये इसके लिए भी स्पेस आपको छोड़ना है। और ये भी ध्यान दीजिए, एक साइड हम बोल रहे हैं कि आप हम सटा के चिपका के लगाते हैं तो एक साइड आपको कम से कम ग्लास टच ना हो, 1 फीट जगह आपको छोड़ना चाहिए, ये देख ले हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब ये भी मैं बताऊँगा, जब गेट को ओपन करते हैं इसका, जब गेट को ओपन करेंगे तो इसको भी देखेंगे कितना बाहर निकलता है गेट, इसको भी मेजर करेंगे ताकि कभी भी ड्राइवर सीट से बाहर निकले तो क्या होता है, गेट खोलेगा तो टच हो सकता है गाड़ी, तो गाड़ी में स्क्रैच नहीं आना चाहिए, तो इसलिए इसका भी ध्यान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो विड्थ है 9 फीट 4 इंच, देखिए एकदम सेफ पूर्वक गेट को ओपन हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको गेट मेजर करके बताऊँगा गेट कितना है, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि ये जो चौड़ाई मैं बताऊँगा सही बता रहा हूँ नहीं। अब देखिए ये छोटा गाड़ी जो है टाटा टियागो, इसका हम गेट को ओपन कर रहे हैं, ये बड़ा गाड़ी से ये छोटा गाड़ी का गेट जो है बड़ा है इसका, तो हम देखिए ओपन करेंगे और इसका मेजर भी करेंगे तो कितना आ रहा है,
ये भी आपको देख मालूम चलेगा। सेफली पूर्वक गाड़ी को हम पार्क कर सकते हैं। लास्ट में आपको डायमेंशन भी मैं बता रहा हूँ पूरा स्केच करके, वीडियो लास्ट तक देखें, कहीं जाए नहीं। ओके, और चैनल पे जाएं, बहुत सारे सिविल से रिलेटेड घर कैसे बनाते हैं, स्टेयर कैसे बनाते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए इसका गेट का जो हम डायमेंशन मेजर किए हैं, तो देखिए ये 3 फीट 1 इंच या 2 इंच आ रहा है। देखिए इस गाड़ी का मेजरमेंट देखिए, इसका गेट है लगभग 2 फीट 10 इंच 11 इंच के आसपास है, इसको भी मान के चलिए 3। देखिए एज पर मेजरमेंट टाटा टियागो को हमने जो मेजरमेंट किया तो उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन कितना है जब घर बनाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि गाड़ी को सेफली पार्क कर सकें और फिर इसको निकाल सकें, कहीं कोई स्क्रैच ना आए। ओके, देखिए ये साइड वाल है, तो वाल साइड क्या है, इस साइड वाल है, तो यहाँ एक साइड अगर चिपका के गाड़ी लगाते हैं तो यहाँ कम से कम 1 फीट का जगह होना चाहिए। इसका विड्थ मेजरमेंट किए हैं 5 फीट 3 इंच, तो हम 5 फीट 6 इंच रख रहे हैं। जैसे ही गाड़ी को पार्क करेंगे तो ड्राइवर का जो गेट होता है ये आपको, तो यहाँ इसको गेट को ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो 3 फीट 3 इंच के आसपास आया, हम 3 फीट 6 इंच रख रहे हैं ताकि ये स्क्रैच ना आए इस वाल के पेज से। ओके, ये रहा विड्थ। अब लेंथ जो मेजरमेंट किए हैं तो 12 फीट इसका लेंथ आया है, लेकिन आप समझिए कि ये सामने वाला जस्ट यहाँ पर, यहाँ भी फ्रंट में कुछ स्पेस होना चाहिए, तो मिनिमम अगर चाहते हैं तो 1 फीट रख सकते हैं, लेकिन हम अपन 2 फीट आपको सेफ रखने के लिए 2 फीट बता रहे हैं। और सामने में अगर गेट है, अगर मान यहाँ पे गेट है, तो दरवाजा खुले और बंद हो सके ये भी आपको ध्यान देना है, या तो स्लाइडिंग लगा सकते हैं, स्लाइड करके दोनों गेट को बंद कर सकते हैं, ऐसे स्लाइडिंग लगा सकते हैं तो अच्छी बात है। ओके, तो 12 3 15 फीट भी रख सकते हैं, अगर गेट को ओपन करते हैं तो थोड़ा डायमेंशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसका विड्थ जो है 10 फीट आपको रखना होगा इनर डायमेंशन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो एक्चुअल बन चुका है तो 9 फीट कुछ इंच आया था, लेकिन आपको 10 फीट रखेगा, सेफ रहिएगा, या उतना में भी कर सकते हैं। 12 फीट ये गाड़ी का लेंथ हो गया, और 2 फीट फ्रंट में ये जगह मैं छोड़ रहा हूँ, ताकि देखिए ये गाड़ी अगर स्विफ्ट डिजायर है आपके पास तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है, 13 फीट के आसपास रहता है। जैसे हमने बोलेरो का मेजरमेंट किया तो 13 फीट आ गया था, तो इस डायमेंशन में दोनों गाड़ी रह सकता है, और 3 फीट फ्रंट में, यानी 10x17 का आपको स्पेस छोड़ना होगा। वैसे मैं बोलेरो का मेजरमेंट भी किया है, तो ये बोलेरो XT मॉडल का है, तो ये इसको मैं दिखाया, तो अब देखिए 5 फीट 6 इंच इसको भी रखा फ्रंट में, 2 फीट, ये 13 फीट आया था। ओके, ये 3 फीट इसके अनुसार भी अगर 1 फीट बढ़ रहा है, लेकिन हम सामने में 1 ही फीट कीजिए और सेम डायमेंशन 10x17 बनाइए, आपका आराम से गाड़ी पार्क हो सकता है। अगर आप सबके वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जब घर बनाते हैं तो हर लोग का सपना होता है कि मेरा खुद का एक गाड़ी हो और खुद का अपना बंगला हो, और उस बंगले में हम कार पार्किंग करें। ओके।